हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है अध्याय 3 है, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर हम 1 का ले लेंगे। चौथा यहां पर दिया है 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) बराबर 2 है, 6/(3)/1 था, यहां पर मिस प्रिंट हो गया था, नहीं दिया था, तो हम मानेंगे 1/(x-1) बराबर a तथा 1/(y-2) बराबर b। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो 5 × हम 1/(x-a) लिख सकते हैं, x-1, फिर आगे आएंगे प्लस यहाँ पर 1/(y-2a) दिया हुआ है, ये बराबर 2 है, तो इसको हमने a माना है तो ये बन जाएगा 5a, और इसको हमने b माना है तो ये बन जाएगा b, और ये बराबर हमारा 2 बन जाएगा। समीकरण नंबर हम इसको 1 बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ आएंगे तो ये बनेगा हमारा 6/(1)(x-1) और -3/(1)(y-2). तो 1/(x-1) को हमने क्या माना है a, तो बनेगा 6a-3b बराबर हो गया 1। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें गुणांक बराबर करना है, यहाँ 3b है यहाँ b है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। तो आगे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया तो 3×5=15a हो गया, और 3 का गुणा यहाँ कर दिए तो 3b बन गया, और ये बराबर 3×2=6 हो गया, इसको हम बना लेंगे 3। ये समीकरण हमारा दिया हुआ था 6a और -3b, और ये बराबर हमारा 1 था, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ये हमारा नंबर 2 था समीकरण। इन दोनों के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ने पर, तो यहाँ बन जाएगा जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 15 और 6 जोड़ देंगे तो 21 बराबर, इधर हम जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, a बराबर निकालेंगे तो 7/21 होगा, 7/21 भाग देंगे 7×1=7, 7×3=21 हो गया। अब हम a किसको माने हैं, a माने हैं 1/, यानी 1/ बन गया x-a, ये x-1 और ये a के स्थान पर हो गया, बराबर 1/3 है तो बराबर हम 1/3 लिख देंगे। अब ये पलटी मारेंगे तो ये भी पलटी होगा, तो x-1/3 होगा, ये आके जुड़ जाएगा तो x=3+1=4 मिल गया, तो 1x का मान हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, a का मान हमें 1/3 है, इसी मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारा बन जाएगा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 5a है प्लस b है बराबर 2, तो 5a, a का मान हमें मिला 1/3, तो हम 1/3 लिख देंगे, प्लस b हो जाएगा बराबर 2 होगा। अब ये 5/3 जाके घट जाएगा तो b बराबर मिल जाएगा 2-5/3, 3×6 में से 5 घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। b हमने किसको माना है, 1/(y-) यानी 1/(y-2), ये b के स्थान पर हो गया, बराबर 1/3 मिला। अब ये पलटी मारेगा तो ये भी पलटी मारेगा, अर्थात हमें y-2=3 मिल जाएगा, यहाँ आ जाते हैं तो आ जाएंगे y-2=3 मिला, ये जाके जोड़ देंगे तो y बराबर हमें मिल जाएगा 5। हमारा आंसर क्या मिला, x बराबर हमने पाया 4 और y बराबर हमें मिल गया यहाँ पर 5, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ xy का मान रख करके और इसको हल कर सकते हैं, तो देखेंगे हमारा दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, जिसको हमने पीछे वाले वीडियो में बताया है कैसे हम रख करके चेक कर सकते हैं हमारा सवाल सही है कि नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।